एक ऐसा नाम जो सृष्टि की शुरुआत से आज तक हमारे मन में, हमारे रोम रोम में बसता है। रामायण में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस मोड़ पर क्या हुआ, सब जानते हैं। फिर भी सबकी रुचि उतनी ही रहती है, क्योंकि राम केवल एक कथा नहीं है, राम हमारा जीवन है। और आज इसी राम नीति के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी उस व्यक्ति को जिसने वाकई अपने जीवन में ऐसा लगता है कि कदम कदम पर, हर मोड़ पर राम की नीतियों को आत्मसात किया। स्वागत कीजिए कवि और विचारक, राम के विचारक, मनोज मुंतशिर शुक्ला का। थैंक यू। आप सबका स्वागत है इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक के इस पवित्र आयोजन में जिसका नाम है राम नीति। मैं आज तक को, जो हमारा चैनल है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आज तक को कि जब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पूरी दुनिया और विशेष तौर पे पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स राजनीति पे आके रुक गए हैं, राजनीति पे आके अटक गए हैं, वहां आज तक की सोच राम नीति तक जा पहुंची है। आज तक के लिए भी तालियां। मैं अभी 4 दिन पहले बहुत सारे न्यूज चैनल्स देख रहा था, सब मंदिरों में नारियल फोड़ रहे थे कि भैया किसी तरह गाड़ी पलट जाए और हम लाइव टेलीकास्ट दिखा दें। तो ये है, लेकिन हाँ, इन्हीं सब चैनल्स के बीच में हमारे पास आज तक भी है, जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, वही दिखाता है जो सार्थक है और उसी की बात करता है। मैं ये राजनीति से राम नीति तक का जो अभूतपूर्व विकास है, अभूतपूर्व विकास, इसके लिए कुछ लोग बधाई के पात्र हैं। मैं वो नाम ले दूं, मेरे मित्र और बड़े भाई सुप्रिय जी जहां भी हैं उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। कली पुरी जी, पूरा इंडिया टुडे ग्रुप और मिस्टर पुरी, ये सब हैं इसीलिए हम सच के साथ खड़े हुए हैं, सच के साथ लगे हुए हैं। मैं राम की कथा पे आऊं और राम की कथा का दर्शन आप तक पहुंचाऊं, उसके पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे। एक जो दुविधा थी जिसका सामना मैंने हमेशा किया और हर नौजवान करता है, यहां बैठे हुए जो मेरे नौजवान साथी हैं वो भी करते हैं और जो थोड़े उम्रदराज हो गए वो भी करते हैं, और वो है कि आत्मविश्वास की कमी। हमको हमेशा ये लगता है कि यार ये जो बड़े लोग कामयाब है ना, ये जो सचिन तेंदुलकर बन गए, ये जो विराट कोहली बन गए, ये जो नरेंद्र मोदी जी बन गए, ये जितने भी लोग कहीं जाके पहुंच गए, ये अलग मिट्टी के बने थे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम साधारण हैं, हम इनके जैसे नहीं हैं, हम मामूली हैं। ये जो एक चैलेंज हम हमेशा फेस करते हैं ना कि हम मामूली हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि 3.8 बिलियन ईयर्स, 3,800 करोड़ वर्ष लगे हैं मिट्टी के एक कण को, एक तिनके को इंसान बनने में। इतना प्रकृति ने हम पे काम किया है, इतना परिश्रम प्रकृति ने हम पे किया है। ये साइंस है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे नहीं बन गए आप, आपको बनाने में प्रकृति का परिश्रम लगा है 3,800 करोड़ वर्षों का। लेकिन ये हमें पता नहीं होता, हम घबराते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे, हम निरर्थक हैं, हम वर्थलेस हैं, हमारा आत्मविश्वास डोल जाता है। और मैं एक बात अपने मन में साध चुका था, मैं मान चुका था, मैंने भगवान राम से सीखा था कि जो अपनी ताकत नहीं पहचान पाया वो नाकाम हो गया, और जिसने अपनी ताकत पहचान ली वो राम हो गया। तो सचमुच लिटरल सेंस में राम भरोसे मैं यहां आया, और जब मुझसे लोग कहते कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम कैसे लड़ोगे सफलता का संग्राम, तो मैं कहता मैं बिल्कुल वैसे ही लड़ूंगा ये संग्राम जैसे मेरे राम लड़े थे। मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान श्री राम के पास भी कुछ नहीं था, और जो उनके पास था वो मेरे पास भी है, मैं अपने अंदर पैदा करूंगा। आप याद कीजिए 7,500 वर्ष पहले जनक का वो दरबार, एक से एक लोग, एक से एक महारथी, एक से एक पुरुषार्थी, एक से एक योद्धा, पिनाका जो शिव का धनुष था उसको टस से मस नहीं कर पाए, कोई उसको हिला नहीं पाया, और श्री राम ने पिनाका तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि राम ने अपना डर छोड़ दिया। बस इतना याद रखना है कि जो अपने डर से जीत सकता है वो दुनिया भर से जीत सकता है। तो मैं आपको वो कहानी बता रहा था कि मैंने कहा कि मैं सफलता का ये संग्राम वैसे ही लड़ूंगा जैसे मेरे राम लड़े थे। भगवान श्री राम जब जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए
तो विभीषण उनको देखते हैं और विभीषण की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। भगवान राम कहते हैं कि विभीषण, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों, क्यों रो रहे हो? विभीषण कहते हैं कि प्रभु, मैं ये सोच के घबरा गया हूं कि जिससे आप लड़ने जा रहे हैं वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानव है, जिसने इंद्र को पराजित कर दिया, जिसने कुबेर से उनकी लंका छीन ली, जिसने नवग्रहों को बंदी बना लिया, एक ऐसा दुर्दांत राक्षस जो महारथी है, जिसके पास असंख्य घोड़ों वाले हाथियों वाले रथ हैं, उस रथ पे चढ़ के वो आपसे युद्ध करेगा और आप स्वयं को देखें, आपके पास रथ क्या अश्व भी नहीं है भगवान, और अश्व छोड़िए आपके चरणों में पादुकाएं तक नहीं है, आप कैसे लड़ेंगे रावण से? भगवान श्री राम मंद मंद हौले हौले मुस्कराए और बोले, रथ तो है मेरे पास विभीषण, बस अदृश्य है, तुम्हें दिख नहीं रहा। अभी तक वीरता का मौन व्रत देखा कहां है? भगवान राम कहते हैं विभीषण से कि अभी तक वीरता का मौन व्रत देखा कहां है, अभी तक सत्य को संघर्ष रत देखा कहां है? बहुत देखे हैं तुमने लकड़ी और लोहे के रथ, लेकिन विभीषण तुमने मर्यादा का रथ देखा कहां है? बहुत देखे हैं तुमने लकड़ी और लोहे के रथ, लेकिन विभीषण तुमने मर्यादा का रथ देखा कहां है? जो भीषण यातना से प्राप्त हो वो यंत्र देता हूं, मनन कर लो, तुम्हें मैं दिग्विजय का मंत्र देता हूं। भगवान श्री राम ने एक मंत्र दिया था उस दिन, और वो मंत्र 7,500 वर्षों की कालावधि चीन के आज आप तक पहुंच रहा है। जो लोग भी मुझे टेलीविजन पर देख रहे हैं, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगले कुछ पल ध्यान से मेरी बात सुन लें कि वो क्या मंत्र था, क्या था वो अदृश्य रथ जो भगवान श्री राम के पास था, और कैसे वो रथ आपके पास भी हो सकता है। जो भीषण यातना से प्राप्त हो वो यंत्र देता हूं, मनन कर लो, तुम्हें मैं दिग्विजय का मंत्र देता हूं। मनुज को देवता जो कर दे वो कर्तव्य सिखाता हूं, नयन खोलो, तुम्हें मैं ये अनोखा रथ दिखाता हूं। आप देखना चाहते हैं वो रथ, मर्यादा का अदृश्य रथ, राम का रथ कैसा था? पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए चार क्या हैं? पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए चार, विवेक और बुद्धि के दो अश्व करते वेग का संचार। विवेक और बुद्धि के घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं, जिसके पहिए क्या हैं? पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन। उसको खींच कौन रहा है? दो घोड़े खींच रहे हैं जिसमें विवेक है और बुद्धि है। पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए चार, विवेक और बुद्धि के दो अश्व करते वेग का संचार। दया की रस्सियों में अश्व हैं बांधे हुए रथ से, कंपैशन, करुणा कभी छूट न जाए, प्राणी मात्र पे दया शर्त है मानव होने की। दया की रस्सियों में अश्व हैं बांधे हुए रथ से, हैं संयमशील चाबुक ताकि रथ भटके नहीं पथ से। संयम और शील का चाबुक ताकि रथ भटके नहीं पथ से। चढ़ो इस रथ पे सीना तान के और सर उठा के तुम, चढ़ो इस रथ पे मस्तक पर कई दिनकर उगा के तुम, चढ़ो इस रथ पे पावन कर्म का चंदन लगा के तुम, चढ़ो इस रथ पे अपने मन में रघुनंदन जगा के तुम। चढ़ो इस रथ पे पावन कर्म का चंदन लगा के तुम, चढ़ो इस रथ पे अपने मन में रघुनंदन जगा के तुम। कहां दानव है फिर कोई कि भय से जो तुम्हें भर दे, कहां वो नर तुम्हारी भाग्य रेखा पर जो पग धर दे। चढ़ो इस रथ पे तुम एक बार भर हुंकार, फिर देखो कोई पैदा नहीं जग में पराजित जो तुम्हें कर दे।
चढ़ो इस रथ पे, तुम एक बार भर हुंकार, फिर देखो कोई पैदा नहीं जग में पराजित जो तुम्हें कर दे। याद रखिएगा, पराक्रम, शौर्य, साहस, लगन, विवेक, बुद्धि, दया, संयम और शील, अगर ये सात गुण, ये सदगुण आपके पास हैं, तो दुनिया में कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। मैंने बहुत पहले एक फिल्म लिखी थी, उस फिल्म में एक संवाद था कि जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और मैं आपसे कहता हूं कि जब तक तुम मेरे साथ हो रामा, मुझे पराजित करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे हैं मंजर तेरे। अपने आप को कम मत समझना मेरे भाई। क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे हैं मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले हैं अंदर तेरे। आपके राम तो आपके अंदर हैं, आपको बाहर कौन सी रोशनी ढूंढनी है, कौन सा प्रकाश ढूंढना है। साथियों, भगवान श्री राम वो पुस्तक हैं जिसके एक एक पृष्ठ पे मर्यादा की कथा लिखी हुई है। और हमारी माँ जानकी, हमारी माँ सीता, वो अलकनंदा हैं जिसकी बूंद बूंद में प्रेम की धारा भरी हुई है, प्रेम छलक रहा है। जिससे हम जब आज रिश्तों की ओर पलट के देखते हैं और बहुत सारी बातें हम सुनते हैं कि शायद रिश्ते असफल होते जा रहे हैं। अगर आप डेटा देखें तो हमें रोज डेटा में दिखता है कि जितने ब्रेकअप्स और जितने डिवोर्स, जितने संबंध विच्छेद अब हो रहे हैं, पहले कभी नहीं हुए थे। मैं सोचता हूं क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं एक बात समझ पाता हूं कि शायद सबकी जड़ में यह है कि हमारे विश्वास के धागे कमजोर हो गए हैं। हमने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। हम विश्वास करने के पहले तर्क ढूंढते हैं कि विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। विश्वास तो बस किया जाता है, जैसे माँ सीता ने भगवान राम पर विश्वास किया था। आप याद करें अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में जब माँ सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और यंत्रणाएं सह रही हैं, यातनाएं सह रही हैं रावण की दी हुई, और रावण रोज उनसे आके कह रहा है कि सीता, इस यंत्रणा भरे जीवन से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुम्हें कोई मुक्त नहीं करवा सकता। एक ही तरीका है, लंका की पटरानी बन जाओ और चलो, वो महल तुम्हारे हैं, वो दुमहले तुम्हारे हैं, सोने की लंका तुम्हारी है। कहां ये कष्ट सह रही हो, कहां ये यातनाएं सह रही, भूल जाओ राम को। और सीता तड़प के कहती थी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, भूल जाओ राम को, कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, मैं उसे कैसे भुला दूं जो मेरी नस नस में है। रावण कहता, अगर तुम्हें लगता है सीता कि ये लंका नहीं तुम्हारी मिथिला है, जहां तुम्हारे राम डोली कहार और पालकी लेके तुम्हें लेने आएंगे, तो भूल जाओ। और ये मत भूलो कि तुम्हारे और तुम्हारे राम के बीच में एक अथाह समुद्र है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका, और मेरा पर्वत जैसा बल भी है जिससे टकराना देवताओं के लिए संभव है, तुम्हारा वो तपस्वी क्या लड़ेगा मुझसे। मां सीता जानती थी कि रावण कुछ असत्य नहीं कह रहा है, लेकिन विश्वास, मैं विश्वास की बात कह रहा हूं, ये वो समय था जब तक हनुमान जी मुद्रिका लेके भी नहीं आए थे, तो कंप्लीट कम्युनिकेशन गैप था। ये पता नहीं था कि राम आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई सूचना नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। लेकिन लेकिन तब भी मां सीता ने रावण की आंखों में आंखें डाल के कह दिया था, पर्वत झुक जाएंगे रावण, समुद्र सूख जाएंगे, प्रतीक्षा कर, मेरे राम मुझे लेने आएंगे। और ये सच है कि मेरे राम अद्भुत हैं, मेरे राम अलौकिक हैं, मेरे राम अविस्मरणीय हैं। ये विश्वास देखें आप माँ सीता का। बैठी रही अशोक वाटिका में और मन ही मन उलाहना देती रही, शिकायत करती रही भगवान श्री राम से। ये प्रेम का संबंध है, मेरे आपके लिए भगवान हैं, माँ सीता के लिए पति थे, और पति से रार का रिश्ता होता है, झगड़े का रिश्ता होता है, उलाहने का रिश्ता होता है। तो माँ सीता मन ही मन शिकायत करती रही राम से, कहती रही उनसे कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए, जिन रातों में चांद निहारा उन रातों की तुम्हें कसम है,
जिन रातों में चांद निहारा उन रातों की तुम्हें कसम है, और न बहने दो ये नैना बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही हैं बिरहन आंखें कब तोड़ोगे मेरी सलाखें, जिनसे धनुष तोड़ा था तुमने उन हाथों की तुम्हें कसम है। आई गई कितनी ही शामें सांवरिया, बस तुम ही ना आए, रहम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। और कितनी नजदीकियां थी दोनों के बीच में, कि आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे, कुछ और देखा ही नहीं। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे, धागे भर की दूरी नहीं थी, हम दोनों तो इतना निकट थे। मेरी सूरत देखे बिना जो पल दो पल भी तुमको बीते, व्याकुल होके तुम कहते थे सीते सीते कहाँ हो सीते। कैसे दिलासा दूं मैं मन को, कौन सी भाषा में समझाऊं, लक्ष्मण रेखा लांग गई थी, विधि की रेखा लांग न पाऊं। मेरे तुम्हारे बीच में रघुबर इतने पर्वत कहाँ से आए, राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। ये माँ सीता थी जिनके लिए प्रेम की परिभाषा, प्रेम का अर्थ राम थे। और मैं अगर आपसे पूछूं कि राम के लिए प्रेम का अर्थ क्या था, एक प्रश्न है, सोच के देखिएगा। ऐसा नहीं है कि माँ सीता से वो प्रेम नहीं करते थे, प्राणों से बढ़कर प्रेम करते थे, वरना कौन था जो दुनिया के सबसे बड़े असुर से भालुओं और वंदरों की सेना ले जाके लड़ जाता, टकरा जाता, कौन था ऐसा? कुछ नहीं था, तपस्वी थे, न राज्य न सेना न बल, पर लड़ गए जाके, इतना प्रेम करते थे माँ सीता से। लेकिन कुछ और भी था जिससे भगवान श्री राम को, मेरे और आपके प्रभु को माँ सीता से भी अधिक प्रेम था। जब लंका विजय हो गई, रावण का अंत हो गया, लक्ष्मण कहते हैं भगवान श्री राम से कि देखिए ये लंका का सिंहासन है, खाली पड़ा हुआ है, और लंका हमने अपने बाहुबल से जीती है, भैया इस सिंहासन पे आपका अधिकार है। हमें ये भी नहीं पता कि जब हम यहां से लौट के जाएंगे तो अयोध्या का सिंहासन हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लंका आपकी है और लंका को आपसे अच्छा राजा कहां मिलेगा। भगवान कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, समझाऊंगा इसका अर्थ आपको, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण ये सोने की लंका मेरे मन को जच नहीं रही है, मुझे रुचिकर नहीं लग रही है, मुझे भा नहीं रही है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि, मां और मात्र भूमि से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो भगवान श्री राम को सबसे अधिक स्नेह, सबसे अधिक प्रेम किससे था? जननी और जन्मभूमि से। और विधि का विधान देखिए, उनसे दोनों ही छूट गए, जन्मभूमि भी छूट गई वह अयोध्या जहां पले बढ़े जन्म लिया, और जननी भी छूट गई, कौशल्या भी छूट गई। आप भगवान श्री राम का पूरा जीवन चरित्र देखें, उनकी आप यात्रा देखें, अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से पंचवटी, पंचवटी से किष्किंधा, किष्किंधा से रामेश्वरम, रामेश्वरम से लंका, इस पूरी यात्रा में क्या क्या यातनाएं, क्या क्या दुख सह लिए राम ने, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, लेकिन अडिग रहे राम, विचलित कभी नहीं हुए। और विचलित कब होते थे? अपने एकांत में, अपने एकांत में बस ये सोच के, इस विचार से विचलित हो जाते थे कि मुझसे ईश्वर ने, मुझसे काल ने मेरे पिता को छीन लिया। कहीं ऐसा हुआ कि जब 14 वर्ष का वनवास काट के मैं वापस अयोध्या लौटा और दरवाजे पर स्वागत की आरती लिए मेरी माँ भी ना रही, तो मैं कैसे जीऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? ये सोच के भगवान राम विचलित होते थे कि अगर माँ ना मिली, अगर माँ ने इस मस्तक पे तिलक ना किया, अगर माँ ने आलिंगन में नहीं बांधा, माँ ने गले नहीं लगाया, माँ ने आशीष नहीं दिया, तो मैं कैसे जीऊंगा? राम जैसा पुरुषार्थी, राम जैसा प्रबल पुरुषार्थी, राम जैसा अवतारी पुरुष, राम जैसा देव पुरुष सूखे पत्ते की तरह कांप उठता था बस ये सोच के कि अगर मां नहीं मिली तो क्या होगा। मैं आपसे राम नीति की बात करने आ जाया हूं ना, जो मैंने राम से सीखा है, तो मैंने राम से ये सीखा है कि मां से पवित्र, मां से महान और मां से कीमती दुनिया में कुछ और नहीं होता। हिसाब लगा के देख लो, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर लग रहा होगा कि मनोज मुंतशिर भावनात्मक कहानियां सुना रहा है, तो आपको गणित बता रहा हूं मैं, नंबर्स, नंबर्स पे देख लो आप।
हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। वो माँ जो हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, दुनिया में सबसे कम वक्त हम उसको देते हैं। सोच के देखिएगा, दुखने वाला सच है लेकिन सच है, जो सबसे ज्यादा प्यार हमें करती है, सबसे कम वक्त हम उसको देते हैं, सबसे ज्यादा बार उसका फोन इग्नोर करते हैं। मम्मी बिजी हूं, कॉल करूंगा। मम्मी बिजी हूं यार, बार बार फोन करी हूं। मम्मी आ जाऊंगा ना घर, बिजी हूं। मम्मी बिजी हूं ये हम जितनी बार बोलते हैं, अगर आप कभी डेटा पे देखने लग जाए ना उसको कि हर बात का रिकॉर्ड हो, आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि कितनी बार आपने अपनी माँ का फोन इग्नोर किया है। हम सब करते हैं। ऐसा नहीं कि हम खराब बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हम माँ से प्यार नहीं करते, बस हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने झकझोर के जगाया नहीं कि तुम क्या खो रहे हो। बहुत मसरूफ हो तुम, जानता हूं, बहुत मसरूफ हो तुम, जानता हूं। घर, दफ्तर, कारोबार, और सबसे फुर्सत मिली तो दोस्त यार। जिंदगी पहियों पर भागती है, ठहर के ये सोचना मुश्किल है कि मां आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है। सुनो, एक काम करो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी बाबूजी से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ किशोर कुमार के गाने। जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। मेरा मकसद आपको रुलाना नहीं था मेरे भाई। आइए, गले लगा लूं मैं आपको। आप बहुत अच्छे बेटे हैं, आप बिल्कुल न रोएं। आपकी माँ जीवित हैं, स्वस्थ हैं, उनको मेरा प्रणाम कहिएगा। और वो जहाँ भी हैं उनको बहुत गर्व होगा इस बात पे कि ऐसा बेटा है जिसकी आंखों में आंसू माँ के लिए आया। खुश रहिए। नहीं सर, आप बहुत बड़े हैं। मैं देख रहा था कि आपकी आंखें भरी हुई हैं और मैं सोच रहा था कि आगे कुछ ना बोलूं, लेकिन आप अगर द्रवित हुए तो आप सही भावना के लिए द्रवित हुए हैं। आपके ऊपर ईश्वर का उपकार है। मेरी माँ बाप से मेरा बड़ा कोई नहीं है। आप अच्छे बेटे हैं, बस मैं ये कह सकता हूँ। सर ने कहा कि उनकी माँ भी नहीं है और उनके पिता भी नहीं है, शायद इसलिए उनकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी माँ जीवित हैं और स्वस्थ हैं, हाथ उठाएं। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप में से वो लोग जिनके हाथ नहीं उठे, मैं आपसे बस एक बात कह सकता हूँ कि आपके पास अब एक नहीं, दो दो ईश्वर हैं। एक ईश्वर आपके इष्ट देव, इष्ट देवी जो भी हैं, और दूसरी आपकी माँ जो ईश्वर के पास बैठी हुई हैं। और जिस दिन आपने अपने घर के मंदिर में एक तस्वीर माँ की भी लगा ली, देखिएगा आपकी मन्नत दुगनी रफ्तार से पूरी होगी। आपने पिताजी का जिक्र किया और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी आप जाएं अपनी माँ के साथ समय बिताने, अगर आपको मेरी बातों से ये लगा हो कि हाँ, राम नीति में जो सबसे बड़ा पाठ हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, वो ये है कि हम अपनी माँ के साथ समय बिताएं। आप जब भी अपनी माँ के पास जाएं, जब भी अपनी कौशल्या के पास जाएं, तो उस दशरथ के आगे भी एक बार सर झुकाते आइएगा जिसकी कुर्बानियाँ लिखने के लिए, जिसके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। इस देश में पिता की बात होती है तो साहित्य खामोश है, सिनेमा चुप है, पिता की कहीं बात ही नहीं होती। हमारा वो हवाई चप्पल वाला हीरो जो मुश्किलों के 2-4 पर्वत हमारे लिए रोज पार कर जाता था, ऐसा हीरो। बाजार में जितने खिलौने होते थे, अगर पिता का साया सर पे है तो इस कॉन्फिडेंस से निकलते थे कि जिस खिलौने पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप होकर घर पहुंच जाएगा। वो पिता, वो पिता, वो हमारे दशरथ, जो एक महाशक्ति की तरह, एक अभेद ढाल की तरह हमारे सामने खड़े रहे। दुनिया की कोई मुश्किल, कोई बला हमें छू नहीं सकती थी जब तक पिताजी हमारे साथ हैं। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता।
हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हूं जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। मेरे पिताजी की उम्र 84 साल है, लेकिन 84 साल की उम्र में मेरे बगल गाड़ी पे बैठ जाते हैं, मुझे लगता है अब अगर यमराज भी आ जाएं तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। मेरे पिताजी मेरे साथ, मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं किसी आफत, किसी मुसीबत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है, कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। साथियों, जब आप यहां से जाएं तो संभव है कि आप मेरी बोली हुई हर बात भूल जाएं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, बस एक बात मत भूलिएगा कि इस सृष्टि में मां से महान और पिता से पवित्र कोई और नहीं हो सकता। आप कितना भी ऊपर उठ जाएं, मेरी प्रार्थना है आप सब दुनिया में बहुत नाम करें, बहुत रोशन हो, बहुत ऊंचाई पे पहुंचे आप, लेकिन कितना भी ऊपर उठ जाओ यार, वो जब बाबूजी ने पहली बार गोद में लेके आकाश की ओर उछाला था ना, उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। वो हाइट है, वो अंत है ऊंचाइयों का। इसलिए जब भी पिता से मिलना, जब भी अभी घर जाके आप मिलेंगे, जब भी पिता से मिलना, सर झुका के मिलना, उससे बड़ा आदमी इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई और नहीं है। सबसे बड़ा आदमी है दुनिया का वो, मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा, मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन है। और जब कभी अपनी मां से मिले आप, तो ऐसे मिलें जैसे कि आप उसके कर्जदार हों, इस भावना से मिलें। ये भूलिएगा मत एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए, कि आप उसके कर्जदार हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत अमीर हो जाओ आप, लाखों करोड़ों अरबों बैंक में जमा कर लो, लेकिन आपकी नजर उतार के जो सिक्के माने गंगा में फेंक दिए थे ना, वो लौटा नहीं पाओगे। हमेशा हमेशा के लिए उसके कर्जदार रह जाओगे। तो जब भी मिलना, पिताजी से ऐसे मिलना कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ये है, और मां से ऐसे मिलना कि जैसे तुम उसके कर्जदार हो। और यही हमारा संस्कार है, यही हमें रामनीति सिखाती है, यही तो सीखा है हमने। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं कि जो हमारे संस्कार हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह के हम सियासी माहौल में सांस ले रहे हैं, जो भगवान श्री राम ने हमें सिखाया, कहीं ना कहीं हमने अपने संस्कार भी बांट दिए, कहीं ना कहीं हमने उनको हिंदू संस्कार और मुसलमान संस्कार बना दिया। ये तो कभी होना नहीं था। अच्छी बातें तो अच्छी बातें हैं, वो कहीं से भी आए। हमारे परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी वो कहते थे कि धर्मांतरण का अर्थ राष्ट्रांतरण नहीं है, धर्मांतरण का अर्थ ये नहीं है कि आपके पूर्वज बदल गए। आपका धर्म कुछ और हो सकता है, आपके पूर्वज तो राम ही हैं। मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के उनसे कहना चाहता हूं कि राम मेरे भी पूर्वज हैं, राम आपके भी पूर्वज हैं, राम वो धागा है जिसमें मैं और आप जुड़ते हैं। हम राम के नाम पर अलग नहीं हो सकते, हमको राम के नाम पर एक होना है। और मैं बात संस्कारों की कर रहा था, दो तरह की परंपराएं आपके सामने इस देश में हैं। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं ये विश्वास रखता हूं कि इतने प्रबुद्ध आप लोग हैं कि किसी भी बात को हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखेंगे। इतनी छोटी सोच आप में से किसी की नहीं होगी, इस विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूं कि दो परंपराएं इस देश में हैं, एक भारतीय परंपरा है और दूसरी बाबरी परंपरा है। मैं एक तस्वीर दोनों की दिखाता हूं आपको। भारतीय परंपरा क्या है? दशरथ के चार बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक बेटे को वनवास हुआ, दूसरा पीछे पीछे चला गया। लक्ष्मण को तो वनवास हुआ भी नहीं था, वनवास सिर्फ श्री राम को हुआ था, लेकिन लक्ष्मण पीछे पीछे चले गए। तीसरा बेटा जब वो अयोध्या आया और पता चला कि सारा राजपाट मुझे देके भैया चले गए, वो सेना लेके, दल बल लेके जंगल में जा पहुंचा भगवान राम को मनाने की भैया चलो मेरे साथ।
मुझसे अयोध्या पे शासन नहीं होगा, अयोध्या आपकी है, आप वहां शासन करो। और चौथा बेटा शत्रुघ्न, वो अयोध्या में भगवान शंकर के मंदिर के आगे हाथ जोड़ के बैठा रहा कि प्रभु कोई चमत्कार करो, कुछ हो जाए कि तीनों भाई मेरे लौट आए और हम चारों भाई मिलकर इसी अयोध्या में रहें, कुछ करो प्रभु। ये थे चार बेटे जो दशरथ ने पैदा किए थे। और वहां जंगल में क्या हुआ, वन में, चित्रकूट में, जब भरत आते हैं और भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि भरत मैं जा नहीं सकता वापस, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं, मैंने वचन दे दिया है, अब मैं 14 वर्ष के पहले नहीं जा सकता। तो भरत एक थाल मंगाते हैं, उस थाल में भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखते हैं, वो थाल अपने सर पे रखते हैं और अयोध्या लौट आते हैं, शीश पे खड़ाऊ, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। एक परंपरा ये है, ये है भारतीय परंपरा, और एक बाबरी परंपरा भी है। शाहजहां को भी चार बेटे थे, दशरथ की ही तरह चार बेटे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। एक बेटे ने, औरंगजेब ने, शासन के लिए, सिंहासन के लिए, तख्त ताऊस के लिए तीनों भाइयों का कत्ल करवा दिया, बाप को कैदखाने में डाल दिया, शाहजहां को। और इस पर भी जब मन नहीं भरा तो क्या किया, दारा का सर काट के एक थाल में रखा और वो थाली ले जाके शाहजहां को दे दी। शाहजहां ने जब कपड़ा हटाया तो उसके अंदर दारा का कटा हुआ सर था। मैं अपने तमाम भाइयों से, किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हूं, बस एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके सामने भी दो थालियां हैं, एक में भगवान राम की खड़ाऊ रखी हुई है और दूसरे में दारा का कटा हुआ सर रखा हुआ है, आप कौन सी खड़ाऊ लेके अपने घर जाना चाहेंगे, राम वाली खड़ाऊ? तो ये संस्कार पे जाति धर्म की मोहर किसने लगा दी, किसने बोल दिया कि नहीं हमें तो वो कटा हुआ सर लेके जाना है? कोई नहीं चाहता, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो वो कटा हुआ सर लेके, जो वो लालच लेके, जो वो करप्शन लेके, और ये सोच के कि हमारे बेटे, अगर मेरे घर पे चार बेटे हो तो एक दूसरे को मार डालें सिर्फ जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो गलती कहां होती है, गलती वहां होती है जहां कुछ लोग हमें बहकाते हैं, हमें ये कहते हैं कि राम तुम्हारे नहीं हैं, और हम अपनी मासूमियत में, अपनी इनोसेंस में गलती से मान लेते हैं कि हाँ जो जो राम कहते हैं वो हमें नहीं करना, वो हमें नहीं सीखना, क्योंकि हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। मस्जिदों के मेंबरों से कुछ लोग हमारे भोले भाले भाइयों को बहकाते हैं, कहते हैं वंदे मातरम मत कहना, भगवान राम क्या सिखाते थे, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माँ और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है, माँ और मातृभूमि के आगे तुम्हारा सर हमेशा झुका हुआ होना चाहिए। और कुछ लोग सिखाते हैं कि वंदे मातरम मत कहना, क्योंकि वंदे मातरम कहोगे तो ये तुम्हारे मजहब के खिलाफ है। मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, क्या मुल्क से बड़ा कोई मजहब हो सकता है, क्या राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म हो सकता है? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या, जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी माँ है, ये मिट्टी मेरी भी माँ है, तो माँ को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? बोलिए मेरे साथ, वंदे भारत माता की। अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी माँ है, ये मिट्टी मेरी भी माँ है, तो माँ को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? ये हमारा संस्कार है, माँ और मातृभूमि से स्नेह करना, ये हमारा संस्कार है जो हमें भगवान श्री राम ने सिखाया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमसे कुछ गलतियां तो हुई हैं जो हमें माननी पड़ेंगी, और एक गलती ये हुई है कि शायद जाने अनजाने एक अंधी दौड़ में हमने अपने संस्कारों को पीछे छोड़ दिया है, डेटेड मानते हैं हम उनको, हमें लगता है कि हाँ ठीक है पुरानी चीज़ है, ये पापा मम्मी लोग बात करते हैं उन्हीं को करने दो, हमारे लिए नहीं है। और पापा मम्मी भी बेचारे असहाय हैं, क्योंकि उनको लगता है बच्चे तो यार बहुत पढ़ लिख गए, अब इनसे क्या बात करें, इनको कैसे समझाएंगे जो हम कहना चाह रहे हैं वो कितनी बड़ी बात है। जब आप नहीं समझा पाते हैं तो क्या होता है, तो होता ये है कि हमारे घरों की जो बच्चियां हैं, हमारे घरों की जो उर्मिलाएं हैं, वो लक्ष्मण के गले में वरमाला डालने की जगह खरदूषण के गले में वरमाला डाल देती हैं, मोहब्बत की जगह मौत चुन लेती हैं। कभी कभी हम उनसे कह नहीं पाते, अपनी बेटियों को पास बिठा के प्यार से कह नहीं पाते कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, हम कह नहीं पाए।
फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। बड़े दुख भरे पन्ने हैं, बोलते हुए मेरा गला भराता है, लेकिन ये गुजरा है, ये हम पर ही गुजरा है। और ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने घावों पे मरहम नहीं लगाएंगे, अपने घावों को अनदेखा कर देंगे तो वो भर जाएंगे। उनकी बात करनी होगी, गुजरना होगा उनसे, बात करनी होगी उनके बारे में, कितना भी दिल दुखे, कितना भी खराब लगे, कितना भी डार्क लगे, लेकिन बात तो करनी होगी। और उसके बाद क्या होता है, जब हमारी बेटियां फ्रिज में पहुंच जाती हैं 35 टुकड़ों में, और हम अचानक शांति दूत बन जाते हैं। मैं देखता हूं चैनल्स पे, शांति दूत, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। मैं देखता हूं कैंडल लाइट विजुअल निकलता है, जुलूस निकलते हैं कैंडल्स लेके लोग। आपको क्या लगता है ये भेड़िए मोमबत्तियों से डर जाएंगे? ऐसा लगता है आपको? क्यों नहीं आप अदालतों के सामने बैठ के इनके लिए मृत्यु दंड मांगते? क्यों ऐसा नहीं करते? ये जो कैंडल लाइट्स हैं, अपना इतिहास पलट के देखिए, भगवान श्री राम ने कहा है षठे शाठ्यम समाचरेत, दंड विधान है ये, इससे बड़ा कोई दंड विधान नहीं है कि जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता का व्यवहार ही उचित है। लेकिन नहीं, हम भूल चुके हैं, हम यहां तक भूल चुके हैं कि हम सोचते नहीं है कि हम वो हैं, हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जिसने महाभारत लड़ी है स्त्री के स्वाभिमान के लिए। हम ये भूल जाते हैं, हमें तो कैंडल लाइट विजुअल निकालनी है, हम शांति दूत हैं। शांति यहां, यहां शांति भेड़ियों से शांति, वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था, वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत हैं कि मर्द वो है जो लंका जला के आया। पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली जय, जय बजरंग बली। भगवान श्री राम ने कहा था, मैं आपको एक चौपाई याद दिला रहा हूं, ज्यादा दूर मत जाइए, रामनीति की बात हो रही है। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। समझाता हूं इसका अर्थ, अनुज बधु यानी छोटे भाई की पत्नी, भगिनी यानी बहन, सुत नारी यानी पुत्र वधु, बहू आपकी, बेटे की पत्नी, ये सब आपकी बेटियों के समान है, आपकी कन्या के समान है। अगर इन पे, इनको कोई गलत दृष्टि से देखे, इन पे कोई बुरी नजर डाले, तो उसके लिए मृत्यु दंड मांगना आपका धर्म है। मैं ये नहीं कहता आप कानून हाथ में लें, लेकिन आप अदालतों पे दबाव डालें कि हमें दूसरी निर्भया नहीं चाहिए, कि 7-7 साल हम इंतजार करते रहेंगे कब इंसाफ होगा, उसकी आत्मा स्वर्ग में तड़पती रहे कि 7 साल हो गए मेरा इंसाफ नहीं हुआ, मेरा न्याय नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, हमें सिस्टम पे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे ये दबाव डालना है, ये प्रेशर डालना है कि अगर ऐसा हो गया तो मृत्यु दंड तुरंत 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 मिलना चाहिए, इसी क्षण मिलना चाहिए। ये हम और आप करेंगे। एक बात मैं सोचता हूं अक्सर कि अगर कलयुग में ईश्वर अवतार लेते हैं, क्योंकि ये तो हमको बता दिया गया है बहुत बार कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, तो शायद हम पहचान नहीं पाते, लेकिन हो सकता है ईश्वर का अवतार होता हो। और मैं बहुत सोच के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आज इस युग में, इस कलयुग में भगवान श्री राम अवतार लेते होंगे तो कैसे लेते होंगे। और जो जवाब मुझे मेरे अंदर से आता है, जो मेरे मन से, मेरी अंतरात्मा से मुझे उत्तर आता है, वो ये है कि अगर आज भगवान जन्म लेते होंगे तो भारत का फौजी बन के जन्म लेते होंगे। कलयुग में राम का अंशावतार अगर कोई है तो हमारे सिपाही हैं, हमारे फौजी हैं। एक बात सोच के देखिएगा, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इत्तफाक नहीं है, संजोग नहीं है कि राम के वनवास की अवधि क्या थी, मैं आपसे पूछता हूं, 14 वर्ष। और शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो पीरियड होता है कितना होता है, जब कोई आर्मी ज्वाइन करता है शॉर्ट सर्विस कमीशन पे कितने साल के लिए ज्वाइन करता है? मिनिमम 14 साल। 14 साल वो सिपाही भी वनवास ले लेता है, दुनिया की हर खुशी से, घर से, परिवार से। तो ये राम का अंशावतार नहीं तो और क्या है? और ये इनमें से ऐसे भी कुछ लोग हैं, क्या क्या वीर हमारी माताएं पैदा करती हैं, हमारी कौशल्याएं विक्रम बत्रा पैदा करती हैं, बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद। आपकी तालियां बनती हैं हमारे कैप्टन के लिए, वीर कैप्टन के लिए।
मेरे लिए विक्रम बत्रा राम का अंशा अवतार है, मेरे लिए मनोज पांडे राम का अंशा अवतार है, मेरे लिए अनुज नायर राम का अंशा अवतार है। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। और मैं सोचता हूं कि अगर एक मौका इनको दिया जाए कि एक आखिरी चिट्ठी लिख दो, ये दुनिया छोड़ने के पहले, भगवान श्री राम के पास जाने से पहले एक चिट्ठी लिखने का मौका है, आप लिख लो, तो ये फौजी चिट्ठी में लिखेंगे क्या? सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। सबको जाना अपनी कौशल्या के पास ही है, हर राम की जो परिणति है कौशल्या की गोद है, जाना हम सब वहीं चाहते हैं। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकें बजाना, पूरे गांव में घुमाना, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई मेरा, उसे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मैं सरहदों से बोल के आया था एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी बहना उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, दो घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। वंदे भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मनोज जी, मुझे जब भी लगता है कि मैंने आपका सर्वश्रेष्ठ सुन लिया, आप कुछ और कदम आगे बढ़ जाते हैं और अपने ही सर्वश्रेष्ठ से कुछ और ऊंचे हो जाते हैं। बहुत आभार आपका और आज तक का। मुझे लगता है कि सबके मन की यही विचार होंगे आज। और इसे समाप्त करने से पहले, राम नीति, मतलब हर किरदार के बारे में इतिहास के या फिर हम अपने धर्म के, जितने भी हम बड़े बड़े संकेतों, बड़ी बड़ी कहानियों, ग्रंथों, सबको सोच लें, उसमें सबके बारे में ये कहा जाता है कि वो कितने प्रासंगिक, आज राम को लेकर कभी ये सवाल नहीं उठा। क्यों? इसलिए नहीं उठा क्योंकि राम है कौन और राम की कथा क्या है। अगर आप राम की कथा को पन्ना दर पन्ना पलटेंगे तो आपको लगेगा कि जो रिश्तों का आदर्श स्वरूप है कैसा होना चाहिए, एक तो बात यह है कि ऐसा है और दूसरा है कैसा होना चाहिए, एक अंतर है जो न्यूज़ में और पोइट्री में होता है। न्यूज़ क्या बताता है आपको कि ऐसा है, और कविता क्या बताती है कि ऐसा होना चाहिए। तो भगवान राम हमारे लिए वो कविता है जो हमें बताते हैं कि जो रिश्तों का आदर्श स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। अगर माँ हो तो कौशल्या जैसी हो, अगर पत्नी हो तो सीता जैसी हो, अगर भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो। तो जब आप रामायण पढ़ते हैं तो आपके रास्ते में अनगिनत दिए जल जाते हैं, अनगिनत चराग जल जाते हैं, और आप जानते हैं कि हमको ऐसे ही जीना है। अगर जो गरिमा, जो गौरव भगवान श्री राम को मिला, अगर हमें उसके आसपास पहुंचना है तो राम की तरह ही जीना होगा, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना होगा। एक पीढ़ी रही जिसने रामायण का पाठ किया, रामचरितमानस सुना, दूसरी पीढ़ी आई हमारे जैसी जिसने रामायण सीरियल देख लिया जी,
और अब जो पीढ़ी है, जो रील वाली पीढ़ी है, वो राम नीति को कैसे समझे? रील वाली पीढ़ी एक तो बहुत तेज है. देखिए एक बात मैं बताऊं, ये जरूर हुआ हमारे नौजवानों के साथ और ये हमेशा होता है, हर युग की अपनी त्रासदी होती है. इस युग की त्रासदी ये है कि हमने रफ्तार तो पकड़ ली लेकिन गहराई छोड़ दी. स्पीड मिल गई हमको, स्पीड बहुत अच्छी मिल गई पर डेप्थ छूट गई. ये मेरी जनरेशन में था. जो आज के बच्चे हैं इनको पता चल चुका है, ये जान चुके हैं कि हाँ कुछ इनसे छूट गया है. हमें तो पता ही नहीं था कि छूट क्या गया हमसे, इनको पता है इसलिए ये वापस राम की तरफ लौटेंगे. ऐसा मेरा अटल विश्वास है, कोई इनको रोक नहीं सकता. ये राम की तरफ लौटेंगे, ये कृष्ण की तरफ लौटेंगे, ये जो हमारे भारत का दैदीप्यमान इतिहास है ये उसकी तरफ लौटेंगे, उससे सीखेंगे और इनके दम से आने वाले बहुत कम वर्षों में 25 साल मैक्सिमम एट द मोस्ट हम विश्वगुरु बन के दिखाएंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता. एक ऐसा नाम जो सृष्टि की शुरुआत से आज तक हमारे मन में, हमारे रोम रोम में बसता है. रामायण में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस मोड़ पर क्या हुआ, सब जानते हैं. फिर भी सबकी रुचि उतनी ही रहती है क्योंकि राम केवल एक कथा नहीं है, राम हमारा जीवन है. और आज इसी राम नीति के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी उस व्यक्ति को जिसने वाकई अपने जीवन में ऐसा लगता है कि कदम कदम पर, हर मोड़ पर राम की नीतियों को आत्मसात किया. स्वागत कीजिए कवि और विचारक, राम के विचारक मनोज मुंतशिर शुक्ला का. थैंक यू. आप सबका स्वागत है इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक के इस पवित्र आयोजन में जिसका नाम है राम नीति. मैं आज तक को, जो हमारा चैनल है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आज तक को कि जब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पूरी दुनिया और विशेष तौर पे पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स राजनीति पे आके रुक गए हैं, राजनीति पे आके अटक गए हैं, वहां आज तक की सोच राम नीति तक जा पहुंची है. आज तक के लिए भी तालियां. मैं अभी 4 दिन पहले बहुत सारे न्यूज चैनल्स देख रहा था, सब मंदिरों में नारियल फोड़ रहे थे कि भैया किसी तरह गाड़ी पलट जाए और हम लाइव टेलीकास्ट दिखा दें. तो ये है, लेकिन हाँ इन्हीं सब चैनल्स के बीच में हमारे पास आज तक भी है, जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, वही दिखाता है जो सार्थक है और उसी की बात करता है. मैं ये राजनीति से राम नीति तक का जो अभूतपूर्व विकास है, अभूतपूर्व विकास, इसके लिए कुछ लोग बधाई के पात्र हैं. मैं वो नाम ले दूं, मेरे मित्र और बड़े भाई सुप्रिय जी जहां भी हैं उनके लिए तालियां बजनी चाहिए. कली पुरी जी, पूरा इंडिया टुडे ग्रुप और मिस्टर पुरी, ये सब हैं इसीलिए हम सच के साथ खड़े हुए हैं, सच के साथ लगे हुए हैं. मैं राम की कथा पे आऊं और राम की कथा का दर्शन आप तक पहुंचाऊं, उसके पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे. एक जो दुविधा थी जिसका सामना मैंने हमेशा किया और हर नौजवान करता है, यहां बैठे हुए जो मेरे नौजवान साथी हैं वो भी करते हैं और जो थोड़े उम्रदराज हो गए वो भी करते हैं, और वो है कि आत्मविश्वास की कमी. हमको हमेशा ये लगता है कि यार ये जो बड़े लोग कामयाब हैं ना, ये जो सचिन तेंदुलकर बन गए, ये जो विराट कोहली बन गए, ये जो नरेंद्र मोदी जी बन गए, ये जितने भी लोग कहीं जाके पहुंच गए, ये अलग मिट्टी के बने थे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम साधारण हैं, हम इनके जैसे नहीं हैं, हम मामूली हैं. ये जो एक चैलेंज हम हमेशा फेस करते हैं ना कि हम मामूली हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि 3.8 बिलियन ईयर्स, 3,800 करोड़ वर्ष लगे हैं मिट्टी के एक कण को, एक तिनके को इंसान बनने में. इतना प्रकृति ने हम पे काम किया है, इतना परिश्रम प्रकृति ने हम पे किया है. ये साइंस है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे नहीं बन गए हैं आप. आपको बनाने में प्रकृति का परिश्रम लगा है 3,800 करोड़ वर्षों का. लेकिन ये हमें पता नहीं होता, हम घबराते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे, हम निरर्थक हैं, हम वर्थलेस हैं, हमारा आत्मविश्वास डोल जाता है. और मैं एक बात अपने मन में साध चुका था, मैं मान चुका था, मैंने भगवान राम से सीखा था कि जो अपनी ताकत नहीं पहचान पाया वो नाकाम हो गया, और जिसने अपनी ताकत पहचान ली वो राम हो गया. तो सचमुच लिटरल सेंस में राम भरोसे मैं यहां आया, और जब मुझसे लोग कहते कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम कैसे लड़ोगे सफलता का संग्राम,
तो मैं कहता मैं बिल्कुल वैसे ही लड़ूंगा ये संग्राम जैसे मेरे राम लड़े थे। मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान श्री राम के पास भी कुछ नहीं था, और जो उनके पास था वो मेरे पास भी है, मैं अपने अंदर पैदा करूंगा। आप याद कीजिए 7,500 वर्ष पहले जनक का वो दरबार, एक से एक लोग, एक से एक महारथी, एक से एक पुरुषार्थी, एक से एक योद्धा, पिनाका जो शिव का धनुष था उसको टस से मस नहीं कर पाए, कोई उसको हिला नहीं पाया, और श्री राम ने पिनाका तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि राम ने अपना डर छोड़ दिया। बस इतना याद रखना है कि जो अपने डर से जीत सकता है वो दुनिया भर से जीत सकता है। तो मैं आपको वो कहानी बता रहा था कि मैंने कहा कि मैं सफलता का ये संग्राम वैसे ही लड़ूंगा जैसे मेरे राम लड़े थे। भगवान श्री राम जब जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए तो विभीषण उनको देखते हैं और विभीषण की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। भगवान राम कहते हैं कि विभीषण तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों, क्यों रो रहे हो? विभीषण कहते हैं कि प्रभु मैं ये सोच के घबरा गया हूं कि जिससे आप लड़ने जा रहे हैं वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानव है, जिसने इंद्र को पराजित कर दिया, जिसने कुबेर से उनकी लंका छीन ली, जिसने नवग्रहों को बंदी बना लिया, एक ऐसा दुर्दांत राक्षस जो महारथी है, जिसके पास असंख्य घोड़ों वाले हाथियों वाले रथ हैं, उस रथ पे चढ़ के वो आपसे युद्ध करेगा, और आप स्वयं को देखें, आपके पास रथ क्या अश्व भी नहीं है भगवान, और अश्व छोड़िए आपके चरणों में पादुकाएं तक नहीं है, आप कैसे लड़ेंगे रावण से? भगवान श्री राम मंद मंद हौले हौले मुस्कराए और बोले रथ तो है मेरे पास विभीषण, बस अदृश्य है, तुम्हें दिख नहीं रहा। अभी तक वीरता का मौन व्रत देखा कहां है? भगवान राम कहते हैं विभीषण से कि अभी तक वीरता का मौन व्रत देखा कहां है, अभी तक सत्य को संघर्ष रत देखा कहां है, बहुत देखे हैं तुमने लकड़ी और लोहे के रथ, लेकिन विभीषण तुमने मर्यादा का रथ देखा कहां है? बहुत देखे हैं तुमने लकड़ी और लोहे के रथ, लेकिन विभीषण तुमने मर्यादा का रथ देखा कहां है? जो भीषण यातना से प्राप्त हो वो यंत्र देता हूं, मनन कर लो, तुम्हें मैं दिग्विजय का मंत्र देता हूं। भगवान श्री राम ने एक मंत्र दिया था उस दिन, और वो मंत्र 7,500 वर्षों की कालावधि चीन के आज आप तक पहुंच रहा है। जो लोग भी मुझे टेलीविजन पर देख रहे हैं, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगले कुछ पल ध्यान से मेरी बात सुन लें कि वो क्या मंत्र था, क्या था वो अदृश्य रथ जो भगवान श्री राम के पास था, और कैसे वो रथ आपके पास भी हो सकता है। जो भीषण यातना से प्राप्त हो वो यंत्र देता हूं, मनन कर लो, तुम्हें मैं दिग्विजय का मंत्र देता हूं, मनुज को देवता जो कर दे वो कर्तव्य सिखाता हूं, नयन खोलो, तुम्हें मैं ये अनोखा रथ दिखाता हूं। आप देखना चाहते हैं वो रथ, मर्यादा का अदृश्य रथ, राम का रथ कैसा था? पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए चार क्या हैं? पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए चार, विवेक और बुद्धि के दो अश्व करते वेग का संचार। विवेक और बुद्धि के घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं, जिसके पहिए क्या हैं? पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन। उसको खींच कौन रहा है? दो घोड़े खींच रहे हैं जिसमें विवेक है और बुद्धि है। पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए चार, विवेक और बुद्धि के दो अश्व करते वेग का संचार, दया की रस्सियों में अश्व हैं बांधे हुए रथ से, कंपैशन, करुणा कभी छूट न जाए, प्राणी मात्र पे दया शर्त है मानव होने की। दया की रस्सियों में अश्व हैं बांधे हुए रथ से, हैं संयमशील चाबुक ताकि रथ भटके नहीं पथ से। संयम और शील का चाबुक ताकि रथ भटके नहीं पथ से, चढ़ो इस रथ पे सीना तान के और सर उठा के, तुम
चढ़ो इस रथ पे मस्तक पर कई दिनकर उगा के तुम, चढ़ो इस रथ पे पावन कर्म का चंदन लगा के तुम, चढ़ो इस रथ पे अपने मन में रघुनंदन जगा के तुम। चढ़ो इस रथ पे पावन कर्म का चंदन लगा के तुम, चढ़ो इस रथ पे अपने मन में रघुनंदन जगा के तुम। कहां दानव है फिर कोई कि भय से जो तुम्हें भर दे, कहां वो नर तुम्हारी भाग्य रेखा पर जो पग धर दे। चढ़ो इस रथ पे तुम एक बार भर हुंकार, फिर देखो कोई पैदा नहीं जग में पराजित जो तुम्हें कर दे। चढ़ो इस रथ पे तुम एक बार भर हुंकार, फिर देखो कोई पैदा नहीं जग में पराजित जो तुम्हें कर दे। याद रखिएगा, पराक्रम, शौर्य, साहस, लगन, विवेक, बुद्धि, दया, संयम और शील, अगर ये सात गुण, ये सदगुण आपके पास हैं, तो दुनिया में कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। मैंने बहुत पहले एक फिल्म लिखी थी, उस फिल्म में एक संवाद था कि जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और मैं आपसे कहता हूं कि जब तक तुम मेरे साथ हो रामा, मुझे पराजित करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे हैं मंजर तेरे। अपने आप को कम मत समझना मेरे भाई। क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे हैं मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले हैं अंदर तेरे। आपके राम तो आपके अंदर हैं, आपको बाहर कौन सी रोशनी ढूंढनी है, कौन सा प्रकाश ढूंढना है। साथियों, भगवान श्री राम वो पुस्तक हैं जिसके एक एक पृष्ठ पे मर्यादा की कथा लिखी हुई है। और हमारी माँ जानकी, हमारी माँ सीता, वो अलकनंदा हैं जिसकी बूंद बूंद में प्रेम की धारा भरी हुई है, प्रेम छलक रहा है। जिससे हम जब आज रिश्तों की ओर पलट के देखते हैं और बहुत सारी बातें हम सुनते हैं कि शायद रिश्ते असफल होते जा रहे हैं। अगर आप डेटा देखें तो हमें रोज डेटा में दिखता है कि जितने ब्रेकअप्स और जितने डिवोर्स, जितने संबंध विच्छेद अब हो रहे हैं, पहले कभी नहीं हुए थे। मैं सोचता हूं क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं एक बात समझ पाता हूं कि शायद सबकी जड़ में यह है कि हमारे विश्वास के धागे कमजोर हो गए हैं। हमने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। हम विश्वास करने के पहले तर्क ढूंढते हैं कि विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। विश्वास तो बस किया जाता है, जैसे मां सीता ने भगवान राम पर विश्वास किया था। आप याद करें अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में जब मां सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और यंत्रणाएं सह रही हैं, यातनाएं सह रही हैं रावण की दी हुई, और रावण रोज उनसे आके कह रहा है कि सीता, इस यंत्रणा भरे जीवन से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुम्हें कोई मुक्त नहीं करवा सकता। एक ही तरीका है, लंका की पटरानी बन जाओ और चलो, वो महल तुम्हारे हैं, वो दो महल तुम्हारे हैं, सोने की लंका तुम्हारी है। कहां ये कष्ट सह रही हो, कहां ये यातनाएं सह रही, भूल जाओ राम को। और सीता तड़प के कहती थी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, भूल जाओ राम को, कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, मैं उसे कैसे भुला दूं जो मेरी नस नस में है। रावण कहता, अगर तुम्हें लगता है सीता कि ये लंका नहीं तुम्हारी मिथिला है, जहां तुम्हारे राम डोली कहार और पालकी लेके तुम्हें लेने आएंगे, तो भूल जाओ। और ये मत भूलो कि तुम्हारे और तुम्हारे राम के बीच में एक अथाह समुद्र है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका, और मेरा पर्वत जैसा बल भी है जिससे टकराना देवताओं के लिए संभव है, तुम्हारा वो तपस्वी क्या लड़ेगा मुझसे। मां सीता जानती थी कि रावण कुछ असत्य नहीं कह रहा है, लेकिन विश्वास, मैं विश्वास की बात कह रहा हूं, ये वो समय था जब तक हनुमान जी मुद्रिका लेके भी नहीं आए थे, तो कंप्लीट कम्युनिकेशन गैप था। ये पता नहीं था कि राम आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई सूचना नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। लेकिन लेकिन तब भी मां सीता ने रावण की आंखों में आंखें डाल के कह दिया था, पर्वत झुक जाएंगे रावण, समुद्र सूख जाएंगे, प्रतीक्षा कर, मेरे राम मुझे लेने आएंगे। और ये सच है कि मेरे राम अद्भुत हैं, मेरे राम अलौकिक हैं, मेरे राम अविस्मरणीय हैं। ये विश्वास देखें आप मां सीता का। बैठी रही अशोक वाटिका में
और मन ही मन उलाहना देती रही, शिकायत करती रही भगवान श्री राम से, ये प्रेम का संबंध है, मेरे आपके लिए भगवान है, माँ सीता के लिए पति थे, और पति से रार का रिश्ता होता है, झगड़े का रिश्ता होता है, उलाहने का रिश्ता होता है। तो माँ सीता मन ही मन शिकायत करती रही राम से, कहती रही उनसे कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए, जिन रातों में चांद निहारा उन रातों की तुम्हें कसम है, जिन रातों में चांद निहारा उन रातों की तुम्हें कसम है, और न बहने दो ये नैना बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही हैं बिरहन आंखें कब तोड़ोगे मेरी सलाखें, जिनसे धनुष तोड़ा था तुमने उन हाथों की तुम्हें कसम है। आई गई कितनी ही शामें सांवरिया बस तुम ही ना आए, राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। और कितनी नजदीकियां थी दोनों के बीच में, ये आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे, कुछ और देखा ही नहीं। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे, धागे भर की दूरी नहीं थी, हम दोनों तो इतना निकट थे। मेरी सूरत देखे बिना जो पल दो पल भी तुमको बीते, व्याकुल होके तुम कहते थे सीते सीते कहाँ हो सीते, कैसे दिलासा दूं मैं मन को कौन सी भाषा में समझाऊं, लक्ष्मण रेखा लांग गई थी विधि की रेखा लांग न पाऊं। मेरे तुम्हारे बीच में रघुबर इतने पर्वत कहाँ से आए, राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। ये माँ सीता थी जिनके लिए प्रेम की परिभाषा, प्रेम का अर्थ राम थे। और मैं अगर आपसे पूछूं कि राम के लिए प्रेम का अर्थ क्या था, एक प्रश्न है, सोच के देखिएगा। ऐसा नहीं है कि माँ सीता से वो प्रेम नहीं करते थे, प्राणों से बढ़ के प्रेम करते थे, वरना कौन था जो दुनिया के सबसे बड़े असुर से भालुओं और वंदरों की सेना ले जाके लड़ जाता, टकरा जाता, कौन था ऐसा? कुछ नहीं था, तपस्वी थे, न राज्य न सेना न बल, पर लड़ गए जाके, इतना प्रेम करते थे माँ सीता से। लेकिन कुछ और भी था जिससे भगवान श्री राम को, मेरे और आपके प्रभु को माँ सीता से भी अधिक प्रेम था। जब लंका विजय हो गई, रावण का अंत हो गया, लक्ष्मण कहते हैं भगवान श्री राम से कि देखिए ये लंका का सिंहासन है, खाली पड़ा हुआ है, और लंका हमने अपने बाहुबल से जीती है, भैया इस सिंहासन पे आपका अधिकार है। हमें ये भी नहीं पता कि जब हम यहां से लौट के जाएंगे तो अयोध्या का सिंहासन हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लंका आपकी है और लंका को आपसे अच्छा राजा कहां मिलेगा। भगवान कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, समझाऊंगा इसका अर्थ आपको, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण ये सोने की लंका मेरे मन को जच नहीं रही है, मुझे रुचिकर नहीं लग रही है, मुझे भा नहीं रही है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्म भूमि, मां और मात्र भूमि से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो भगवान श्री राम को सबसे अधिक स्नेह, सबसे अधिक प्रेम किससे था? जननी और जन्मभूमि से। और विधि का विधान देखिए, उनसे दोनों ही छूट गए, जन्मभूमि भी छूट गई वह अयोध्या जहां पले बढ़े जन्म लिया, और जननी भी छूट गई, कौशल्या भी छूट गई। आप भगवान श्री राम का पूरा जीवन चरित्र देखें, उनकी आप यात्रा देखें, अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से पंचवटी, पंचवटी से किष्किंधा, किष्किंधा से रामेश्वरम, रामेश्वरम से लंका, इस पूरी यात्रा में क्या क्या यातनाएं, क्या क्या दुख सह लिए राम ने, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, लेकिन अडिग रहे राम, विचलित कभी नहीं हुए। और विचलित कब होते थे? अपने एकांत में, अपने एकांत में बस ये सोच के, इस विचार से विचलित हो जाते थे कि मुझसे ईश्वर ने, मुझसे काल ने मेरे पिता को छीन लिया। कहीं ऐसा हुआ कि जब 14 वर्ष का वनवास काट के मैं वापस अयोध्या लौटा और दरवाजे पर स्वागत की आरती लिए मेरी माँ भी ना रही, तो मैं कैसे जीऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? ये सोच के भगवान राम विचलित होते थे कि अगर माँ ना मिली, अगर माँ ने इस मस्तक पे तिलक ना किया, अगर माँ ने आलिंगन में नहीं बांधा, माँ ने गले नहीं लगाया, माँ ने आशीष नहीं दिया, तो मैं कैसे जीऊंगा? राम जैसा पुरुषार्थी, राम जैसा प्रबल पुरुषार्थी, राम जैसा अवतारी पुरुष, राम जैसा देव पुरुष,
सूखे पत्ते की तरह कांप उठता था, बस ये सोच के कि अगर मां नहीं मिली तो क्या होगा। मैं आपसे राम नीति की बात करने आ जाया हूं ना, जो मैंने राम से सीखा है, तो मैंने राम से ये सीखा है कि मां से पवित्र, मां से महान और मां से कीमती दुनिया में कुछ और नहीं होता। हिसाब लगा के देख लो, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर लग रहा होगा कि मनोज मुंतशिर भावनात्मक कहानियां सुना रहा है, तो आपको गणित बता रहा हूं मैं, नंबर्स, नंबर्स पे देख लो आप, हिसाब लगा के देख लो। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा, एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। वो मां जो हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, दुनिया में सबसे कम वक्त हम उसको देते हैं। सोच के देखिएगा, दुखने वाला सच है लेकिन सच है, जो सबसे ज्यादा प्यार हमें करती है, सबसे कम वक्त हम उसको देते हैं, सबसे ज्यादा बार उसका फोन इग्नोर करते हैं। मम्मी बिजी हूं, कॉल करूंगा, मम्मी बिजी हूं यार, बार बार फोन करी हूं, मम्मी आ जाऊंगा ना घर, बिजी हूं, मम्मी बिजी हूं, ये हम जितनी बार बोलते हैं, अगर आप कभी डेटा पे देखने लग जाए ना उसको, कि हर बात का रिकॉर्ड हो, आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि कितनी बार आपने अपनी माँ का फोन इग्नोर किया है। हम सब करते हैं, ऐसा नहीं कि हम खराब बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हम माँ से प्यार नहीं करते, बस हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने झकझोर के जगाया नहीं कि तुम क्या खो रहे हो। बहुत मसरूफ हो तुम, जानता हूं, बहुत मसरूफ हो तुम, जानता हूं, घर, दफ्तर, कारोबार, और सबसे फुर्सत मिली तो दोस्त यार। जिंदगी पहियों पर भागती है, ठहर के ये सोचना मुश्किल है कि मां आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है। सुनो, एक काम करो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी बाबूजी से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ किशोर कुमार के गाने, जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था, इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। मेरा मकसद आपको रुलाना नहीं था मेरे भाई, आइए गले लगा लूं मैं आपको। आप बहुत अच्छे बेटे हैं, आप बिल्कुल न रोएं, आपकी माँ जीवित हैं, स्वस्थ हैं, उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, और वो जहां भी हैं उनको बहुत गर्व होगा इस बात पे कि ऐसा बेटा है जिसकी आंखों में आंसू माँ के लिए आया। खुश रहिए। नहीं सर, आप बहुत बड़े हैं, मैं देख रहा था कि आपकी आंखें भरी हुई हैं, और मैं सोच रहा था कि आगे कुछ ना बोलूं, लेकिन आप अगर द्रवित हुए तो आप सही भावना के लिए द्रवित हुए, आपके ऊपर ईश्वर का उपकार है। मेरी माँ बाप से मेरा बड़ा कोई नहीं, आप अच्छे बेटे हैं, बस मैं ये कह सकता हूँ। सर ने कहा कि उनकी माँ भी नहीं है और उनके पिता भी नहीं है, शायद इसलिए उनकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी माँ जीवित हैं और स्वस्थ हैं, हाथ उठाएं। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, और आप में से वो लोग जिनके हाथ नहीं उठे, मैं आपसे बस एक बात कह सकता हूँ कि आपके पास अब एक नहीं, 2-2 ईश्वर हैं। एक ईश्वर आपके इष्ट देव, इष्ट देवी जो भी हैं, और दूसरी आपकी माँ जो ईश्वर के पास बैठी हुई हैं। और जिस दिन आपने अपने घर के मंदिर में एक तस्वीर माँ की भी लगा ली, देखिएगा आपकी मन्नत दुगनी रफ्तार से पूरी होगी। आपने पिताजी का जिक्र किया, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी आप जाएं अपनी माँ के साथ समय बिताने, अगर आपको मेरी बातों से ये लगा हो कि हाँ, राम नीति में जो सबसे बड़ा पाठ हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, वो ये है कि हम अपनी माँ के साथ समय बिताएं। आप जब भी अपनी माँ के पास जाएं, जब भी अपनी कौशल्या के पास जाएं, तो उस दशरथ के आगे भी एक बार सर झुकाते आइएगा, जिसकी कुर्बानियाँ लिखने के लिए, जिसके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। इस देश में पिता की बात होती है तो साहित्य खामोश है, सिनेमा चुप है, पिता की कहीं बात ही नहीं होती। हमारा वो हवाई चप्पल वाला हीरो जो मुश्किलों के 2-4 पर्वत हमारे लिए रोज पार कर जाता था, ऐसा हीरो,
बाजार में जितने खिलौने होते थे, अगर पिता का साया सर पे है तो इस कॉन्फिडेंस से निकलते थे कि जिस खिलौने पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप होकर घर पहुंच जाएगा। वो पिता। वो पिता, वो हमारे दशरथ, जो एक महाशक्ति की तरह, एक अभेद ढाल की तरह हमारे सामने खड़े रहे। दुनिया की कोई मुश्किल, कोई बला हमें छू नहीं सकती थी जब तक पिताजी हमारे साथ हैं। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। मेरे पिताजी की उम्र 84 साल है, लेकिन 84 साल की उम्र में मेरे बगल गाड़ी पे बैठ जाते हैं, मुझे लगता है अब अगर यमराज भी आ जाएं तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। मेरे पिताजी मेरे साथ, मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं किसी आफत, किसी मुसीबत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। साथियों, जब आप यहां से जाएं तो संभव है कि आप मेरी बोली हुई हर बात भूल जाएं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, बस एक बात मत भूलिएगा कि इस सृष्टि में मां से महान और पिता से पवित्र कोई और नहीं हो सकता। आप कितना भी ऊपर उठ जाएं, मेरी प्रार्थना है आप सब दुनिया में बहुत नाम करें, बहुत रोशन हो, बहुत ऊंचाई पे पहुंचे आप, लेकिन कितना भी ऊपर उठ जाओ यार, वो जब बाबूजी ने पहली बार गोद में लेके आकाश की ओर उछाला था ना, उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। वो हाइट है, वो अंत है ऊंचाइयों का। इसलिए जब भी पिता से मिलना, जब भी अभी घर जाके आप मिलेंगे, जब भी पिता से मिलना, सर झुका के मिलना, उससे बड़ा आदमी इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई और नहीं है। सबसे बड़ा आदमी है दुनिया का वो, मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा, मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन है। और जब कभी अपनी मां से मिले आप, तो ऐसे मिलें जैसे कि आप उसके कर्जदार हों, इस भावना से मिलें। ये भूलिएगा मत एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए, कि आप उसके कर्जदार हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत अमीर हो जाओ आप, लाखों करोड़ों अरबों बैंक में जमा कर लो, लेकिन आपकी नजर उतार के जो सिक्के माने गंगा में फेंक दिए थे ना, वो लौटा नहीं पाओगे। हमेशा हमेशा के लिए उसके कर्जदार रह जाओगे। तो जब भी मिलना, पिताजी से ऐसे मिलना कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ये है, और मां से ऐसे मिलना कि जैसे तुम उसके कर्जदार हो। और यही हमारा संस्कार है, यही हमें रामनीति सिखाती है, यही तो सीखा है हमने। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं कि जो हमारे संस्कार हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह के हम सियासी माहौल में सांस ले रहे हैं, जो भगवान श्री राम ने हमें सिखाया, कहीं ना कहीं हमने अपने संस्कार भी बांट दिए, कहीं ना कहीं हमने उनको हिंदू संस्कार और मुसलमान संस्कार बना दिया। ये तो कभी होना नहीं था। अच्छी बातें तो अच्छी बातें हैं, वो कहीं से भी आए। हमारे परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी वो कहते थे कि धर्मांतरण का अर्थ राष्ट्रांतरण नहीं है, धर्मांतरण का अर्थ ये नहीं है कि आपके पूर्वज बदल गए। आपका धर्म कुछ और हो सकता है, आपके पूर्वज तो राम ही हैं। मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के उनसे कहना चाहता हूं कि राम मेरे भी पूर्वज हैं, राम आपके भी पूर्वज हैं, राम वो धागा है जिसमें मैं और आप जुड़ते हैं। हम राम के नाम पर अलग नहीं हो सकते, हमको राम के नाम पर एक होना है। और मैं बात संस्कारों की कर रहा था, दो तरह की परंपराएं आपके सामने इस देश में हैं। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं ये विश्वास रखता हूं कि इतने प्रबुद्ध आप लोग हैं कि किसी भी बात को हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखेंगे। इतनी छोटी सोच आप में से किसी की नहीं होगी, इस विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूं कि दो परंपराएं इस देश में हैं, एक
भारतीय परंपरा है और दूसरी बाबरी परंपरा है। मैं एक तस्वीर दोनों की दिखाता हूं आपको। भारतीय परंपरा क्या है? दशरथ के चार बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक बेटे को वनवास हुआ, दूसरा पीछे पीछे चला गया। लक्ष्मण को तो वनवास हुआ भी नहीं था, वनवास सिर्फ श्री राम को हुआ था, लेकिन लक्ष्मण पीछे पीछे चले गए। तीसरा बेटा जब वो अयोध्या आया और पता चला कि सारा राजपाट मुझे दे के भैया चले गए, वो सेना लेके, दल बल लेके जंगल में जा पहुंचा भगवान राम को मनाने की भैया चलो मेरे साथ, मुझसे अयोध्या पे शासन नहीं होगा, अयोध्या आपकी है, आप वहां शासन करो। और चौथा बेटा शत्रुघ्न, वो अयोध्या में भगवान शंकर के मंदिर के आगे हाथ जोड़ के बैठा रहा कि प्रभु कोई चमत्कार करो, कुछ हो जाए कि तीनों भाई मेरे लौट आए और हम चारों भाई मिलकर इसी अयोध्या में रहें, कुछ करो प्रभु। ये थे चार बेटे जो दशरथ ने पैदा किए थे। और वहां जंगल में क्या हुआ, वन में, चित्रकूट में, जब भरत आते हैं और भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि भरत मैं जा नहीं सकता वापस, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं, मैंने वचन दे दिया है, अब मैं 14 वर्ष के पहले नहीं जा सकता। तो भरत एक थाल मंगाते हैं, उस थाल में भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखते हैं, वो थाल अपने सर पे रखते हैं और अयोध्या लौट आते हैं, शीश पे खड़ाऊ, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। एक परंपरा ये है, ये है भारतीय परंपरा, और एक बाबरी परंपरा भी है। शाहजहां को भी चार बेटे थे, दशरथ की ही तरह चार बेटे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। एक बेटे ने, औरंगजेब ने, शासन के लिए, सिंहासन के लिए, तख्त ताऊस के लिए तीनों भाइयों का कत्ल करवा दिया, बाप को कैदखाने में डाल दिया, शाहजहां को। और इस पर भी जब मन नहीं भरा तो क्या किया, दारा का सर काट के एक थाल में रखा और वो थाली ले जाके शाहजहां को दे दी। शाहजहां ने जब कपड़ा हटाया तो उसके अंदर दारा का कटा हुआ सर था। मैं अपने तमाम भाइयों से, किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हूं, बस एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके सामने भी दो थालियां हैं, एक में भगवान राम की खड़ाऊ रखी हुई है और दूसरे में दारा का कटा हुआ सर रखा हुआ है, आप कौन सी खड़ाऊ लेके अपने घर जाना चाहेंगे, राम वाली खड़ाऊ? तो ये संस्कार पे जाति धर्म की मोहर किसने लगा दी, किसने बोल दिया कि नहीं हमें तो वो कटा हुआ सर लेके जाना है? कोई नहीं चाहता, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो वो कटा हुआ सर लेके, जो वो लालच लेके, जो वो करप्शन लेके, और ये सोच के कि हमारे बेटे, अगर मेरे घर पे चार बेटे हो तो एक दूसरे को मार डालें सिर्फ जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो गलती कहां होती है? गलती वहां होती है जहां कुछ लोग हमें बहकाते हैं, हमें ये कहते हैं कि राम तुम्हारे नहीं हैं, और हम अपनी मासूमियत में, अपनी इनोसेंस में गलती से मान लेते हैं कि हाँ, जो जो राम कहते हैं वो हमें नहीं करना, वो हमें नहीं सीखना, क्योंकि हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। मस्जिदों के मेंबरों से कुछ लोग हमारे भोले भाले भाइयों को बहकाते हैं, कहते हैं वंदे मातरम मत कहना, भगवान राम क्या सिखाते थे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माँ और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है, माँ और मातृभूमि के आगे तुम्हारा सर हमेशा झुका हुआ होना चाहिए। और कुछ लोग सिखाते हैं कि वंदे मातरम मत कहना, क्योंकि वंदे मातरम कहोगे तो ये तुम्हारे मजहब के खिलाफ है। मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई, क्या मुल्क से बड़ा कोई मजहब हो सकता है? क्या राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म हो सकता है? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या, जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी माँ है, ये मिट्टी मेरी भी माँ है, तो माँ को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? बोलिए मेरे साथ, वंदे भारत माता की। अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? ये हमारा संस्कार है, मां और मातृभूमि से स्नेह करना, ये हमारा संस्कार है जो हमें भगवान श्री राम ने सिखाया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमसे कुछ गलतियां तो हुई हैं जो हमें माननी पड़ेंगी, और एक गलती ये हुई है कि शायद जाने अनजाने एक अंधी दौड़ में हमने अपने संस्कारों को पीछे छोड़ दिया है। डेटेड मानते हैं हम उनको, हमें लगता है कि हाँ ठीक है, पुरानी चीज़ है, ये पापा मम्मी लोग बात करते हैं उन्हीं को करने दो, हमारे लिए नहीं है। और पापा मम्मी भी बेचारे असहाय हैं, क्योंकि उनको लगता है बच्चे तो यार बहुत पढ़ लिख गए, अब इनसे क्या बात करें, इनको कैसे समझाएंगे जो हम कहना चाह रहे हैं वो कितनी बड़ी बात है। जब आप नहीं समझा पाते हैं तो क्या होता है? तो होता ये है
कि हमारे घरों की जो बच्चियां हैं, हमारे घरों की जो उर्मिलाएं हैं, वो लक्ष्मण के गले में वरमाला डालने की जगह घर दूषण के गले में वरमाला डाल देती हैं, मोहब्बत की जगह मौत चुन लेती हैं। कभी कभी हम उनसे कह नहीं पाते, अपनी बेटियों को पास बिठा के प्यार से कह नहीं पाते कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। हम कह नहीं पाए कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। बड़े दुख भरे पन्ने हैं, बोलते हुए मेरा गला भराता है, लेकिन ये गुजरा है, ये हम पर ही गुजरा है। और ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने घावों पे मरहम नहीं लगाएंगे, अपने घावों को अनदेखा कर देंगे तो वो भर जाएंगे। उनकी बात करनी होगी, गुजरना होगा उनसे, बात करनी होगी उनके बारे में, कितना भी दिल दुखे, कितना भी खराब लगे, कितना भी डार्क लगे, लेकिन बात तो करनी होगी। और उसके बाद क्या होता है जब हमारी बेटियां फ्रिज में पहुंच जाती हैं 35 टुकड़ों में, और हम अचानक शांति दूत बन जाते हैं। मैं देखता हूं चैनल्स पे शांति दूत, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। मैं देखता हूं कैंडल लाइट विजुअल निकलता है, जुलूस निकलते हैं कैंडल्स लेके लोग। आपको क्या लगता है ये भेड़िए मोमबत्तियों से डर जाएंगे? ऐसा लगता है आपको? क्यों नहीं आप अदालतों के सामने बैठ के इनके लिए मृत्यु दंड मांगते? क्यों ऐसा नहीं करते? ये जो कैंडल लाइट्स हैं, अपना इतिहास पलट के देखिए, भगवान श्री राम ने कहा है षठे शाठ्यम समाचरेत, दंड विधान है ये, इससे बड़ा कोई दंड विधान नहीं है कि जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता का व्यवहार ही उचित है। लेकिन नहीं, हम भूल चुके हैं, हम यहां तक भूल चुके हैं कि हम सोचते नहीं है कि हम वो हैं, हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जिसने महाभारत लड़ी है स्त्री के स्वाभिमान के लिए। हम ये भूल जाते हैं, हमें तो कैंडल लाइट विजुअल निकालनी है, हम शांति दूत हैं। शांति यहां, यहां शांति भेड़ियों से शांति, वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था, वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत हैं कि मर्द वो है जो लंका जला के आया। पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली जय, जय बजरंग बली। भगवान श्री राम ने कहा था, मैं आपको एक चौपाई याद दिला रहा हूं, ज्यादा दूर मत जाइए, रामनीति की बात हो रही है। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। समझाता हूं इसका अर्थ। अनुज बधु यानी छोटे भाई की पत्नी, भगिनी यानी बहन, सुत नारी यानी पुत्र वधु, बहू आपकी, बेटे की पत्नी, ये सब आपकी बेटियों के समान है, आपकी कन्या के समान है। अगर इन पे, इनको कोई गलत दृष्टि से देखे, इन पे कोई बुरी नजर डाले, तो उसके लिए मृत्यु दंड मांगना आपका धर्म है। मैं ये नहीं कहता आप कानून हाथ में लें, लेकिन आप अदालतों पे दबाव डालें कि हमें दूसरी निर्भया नहीं चाहिए, कि 7-7 साल हम इंतजार करते रहेंगे कब इंसाफ होगा, उसकी आत्मा स्वर्ग में तड़पती रहे कि 7 साल हो गए मेरा इंसाफ नहीं हुआ, मेरा न्याय नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, हमें सिस्टम पे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे ये दबाव डालना है, ये प्रेशर डालना है कि अगर ऐसा हो गया तो मृत्यु दंड तुरंत 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 मिलना चाहिए, इसी क्षण मिलना चाहिए। ये हम और आप करेंगे। एक बात मैं सोचता हूं अक्सर कि अगर कलयुग में ईश्वर अवतार लेते हैं, क्योंकि ये तो हमको बता दिया गया है बहुत बार कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, तो शायद हम पहचान नहीं पाते, लेकिन हो सकता है ईश्वर का अवतार होता हो। और मैं बहुत सोच के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आज इस युग में, इस कलयुग में भगवान श्री राम अवतार लेते होंगे तो कैसे लेते होंगे। और जो जवाब मुझे मेरे अंदर से आता है, जो मेरे मन से, मेरी अंतरात्मा से मुझे उत्तर आता है, वो ये है कि अगर आज भगवान जन्म लेते होंगे तो भारत का फौजी बन के जन्म लेते होंगे। कलयुग में राम का अंशावतार अगर कोई है तो हमारे सिपाही हैं, हमारे फौजी हैं। एक बात सोच के देखिएगा, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इत्तफाक नहीं है, संजोग नहीं है कि राम के वनवास की अवधि क्या थी, मैं आपसे पूछता हूं। 14 वर्ष, और शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो पीरियड होता है कितना होता है? जब कोई आर्मी ज्वाइन करता है शॉर्ट सर्विस कमीशन पे, कितने साल के लिए ज्वाइन करता है? मिनिमम 14 साल। 14 साल वो सिपाही भी वनवास ले लेता है, दुनिया की हर खुशी से, घर से, परिवार से। तो ये राम का अंशावतार नहीं तो और क्या है? और
ये इनमें से ऐसे भी कुछ लोग हैं। क्या क्या वीर हमारी माताएं पैदा करती हैं, हमारी कौशल्याएं विक्रम बत्रा पैदा करती हैं। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद। आपकी तालियां बनती हैं हमारे कैप्टन के लिए, वीर कैप्टन के लिए। मेरे लिए विक्रम बत्रा राम का अंशा अवतार है, मेरे लिए मनोज पांडे राम का अंशा अवतार है, मेरे लिए अनुज नायर राम का अंशा अवतार है। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। और मैं सोचता हूं कि अगर एक मौका इनको दिया जाए कि एक आखिरी चिट्ठी लिख दो, ये दुनिया छोड़ने के पहले, भगवान श्री राम के पास जाने से पहले एक चिट्ठी लिखने का मौका है, आप लिख लो, तो ये फौजी चिट्ठी में लिखेंगे क्या? सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। सबको जाना अपनी कौशल्या के पास ही है, हर राम की जो परिणति है कौशल्या की गोद है, जाना हम सब वहीं चाहते हैं। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकें बजाना, पूरे गांव में घुमाना, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई मेरा, उसे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मैं सरहदों से बोल के आया था एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी बहना उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, दो घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। वंदे भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मनोज जी, मुझे जब भी लगता है कि मैंने आपका सर्वश्रेष्ठ सुन लिया, आप कुछ और कदम आगे बढ़ जाते हैं और अपने ही सर्वश्रेष्ठ से कुछ और ऊंचे हो जाते हैं। बहुत आभार आपका और आज तक का। मुझे लगता है कि सबके मन की यही विचार होंगे आज। और इसे समाप्त करने से पहले, राम नीति, मतलब हर किरदार के बारे में इतिहास के या फिर हम अपने धर्म के, जितने भी हम बड़े बड़े संकेतों, बड़ी बड़ी कहानियों, ग्रंथों, सबको सोच लें, उसमें सबके बारे में ये कहा जाता है कि वो कितने प्रासंगिक, आज राम को लेकर कभी ये सवाल नहीं उठा। क्यों? इसलिए नहीं उठा क्योंकि राम है कौन और राम की कथा क्या है। अगर आप राम की कथा को पन्ना दर पन्ना पलटेंगे तो आपको लगेगा कि जो रिश्तों का आदर्श स्वरूप है कैसा होना चाहिए, एक तो बात यह है कि ऐसा है और दूसरा है कैसा होना चाहिए, एक अंतर है जो न्यूज़ में और पोइट्री में होता है। न्यूज़ क्या बताता है आपको कि ऐसा है, और कविता क्या बताती है कि ऐसा होना चाहिए। तो भगवान राम हमारे लिए वो कविता है जो हमें बताते हैं कि जो रिश्तों का आदर्श स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए।
अगर माँ हो तो कौशल्या जैसी हो, अगर पत्नी हो तो सीता जैसी हो, अगर भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो। तो जब आप रामायण पढ़ते हैं तो आपके रास्ते में अनगिनत दिए जल जाते हैं, अनगिनत चराग जल जाते हैं, और आप जानते हैं कि हमको ऐसे ही जीना है। अगर जो गरिमा, जो गौरव भगवान श्री राम को मिला, अगर हमें उसके आसपास पहुंचना है तो राम की तरह ही जीना होगा, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना होगा। एक पीढ़ी रही जिसने रामायण का पाठ किया, रामचरितमानस सुना, दूसरी पीढ़ी आई हमारे जैसी जिसने रामायण सीरियल देख लिया जी, और अब जो पीढ़ी है, जो रील वाली पीढ़ी है, वो राम नीति को कैसे समझे? रील वाली पीढ़ी एक तो बहुत तेज है। देखिए एक बात मैं बताऊं, ये जरूर हुआ हमारे नौजवानों के साथ, और ये हमेशा होता है, हर युग की अपनी त्रासदी होती है। इस युग की त्रासदी ये है कि हमने रफ्तार तो पकड़ ली लेकिन गहराई छोड़ दी। स्पीड मिल गई हमको, स्पीड बहुत अच्छी मिल गई, पर डेप्थ छूट गई। ये मेरी जनरेशन में था। जो आज के बच्चे हैं इनको पता चल चुका है, ये जान चुके हैं कि हाँ कुछ इनसे छूट गया है। हमें तो पता ही नहीं था कि छूट क्या गया हमसे, इनको पता है, इसलिए ये वापस राम की तरफ लौटेंगे, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। कोई इनको रोक नहीं सकता, ये राम की तरफ लौटेंगे, ये कृष्ण की तरफ लौटेंगे, ये जो हमारे भारत का दैदीप्यमान इतिहास है ये उसकी तरफ लौटेंगे, उससे सीखेंगे, और इनके दम से आने वाले बहुत कम वर्षों में 25 साल मैक्सिमम एट द मोस्ट हम विश्वगुरु बन के दिखाएंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता।